ऑप्शन, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। और सबसे ज्यादा लोगों के जो घर बिके हैं ऑप्शन के कारण ही बिके हैं। चलो ऑप्शन में मेजर मेजर चीजें क्या है मैं बताता हूँ। ऑप्शन क्यों बोला, क्यों बोला ऑप्शन, चलो बताओ कोई एनिमल। हाँ प्रीमियम बेस्ड है ये, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर ये रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है। चीप है थोड़ा सा, और इससे एक्चुअल मार्केट की वॉलेटिलिटी पता पड़ती है। ये इतने सारे फैक्टर्स जानने के बाद में आपको बाजार को जानना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऑप्शन बना केवल और केवल लोगों की पोजीशन जानने के लिए कि कौन किस भाव पर बैठा हुआ है। अंदाजा लगा सकते हो आप ऑप्शन को देखकर, यानी ऑप्शन को देखकर यू कैन ट्रेड इनटू फ्यूचर एंड ऑप्शन को देखकर यू कैन ट्रेड इनटू स्पॉट या स्टॉक्स में भी जा सकते हो, ठीक है। प्रीमियम बेस्ड है, रिस्क मैनेजमेंट का काम करता है, या हेजिंग बोल दो आप इसको, ठीक है। चीप है, सस्ता है, बहुत सस्ता है, लोग इसलिए यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और वॉलेटिलिटी चेक हो जाता है यहाँ पर, वॉलेटिलिटी बाजार का पूरा। अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पूरा पता पड़ जाएगा कि यार ये बाजार कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। मैं फ्यूचर देखकर ये नहीं बता सकता कि कितना ऊपर जा सकता है, बट ऑप्शन देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि यार ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को देखने के लिए देयर इज अ टूल कॉल्ड ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन। तो ये वॉलेटिलिटी को जज करने के लिए वी हैव अ ऑप्शन चेन, ठीक है। सब है, सब है, जहां जहां पर डेरिवेटिव है वहां पर ऑप्शन मिलेगा। जितने फ्यूचर्स है, जितने 195 स्टॉक्स जितने हैं, वो सारे ऑप्शंस में, इंडेक्सेस जो है फ्यूचर में, वो सारे ऑप्शंस में मिलेंगे, ट्रेडेबल। सो दीज आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। सो ऑप्शन एंड फ्यूचर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू यू कैन मैनेज योर रिस्क, ठीक है। तो इन द एंड हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन बोले तो इट्स लिंक्ड विद स्पॉट मार्केट, ईच एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड विद स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट में चेंज आएगा तो ऑप्शन चेंज में चेंजेस आएगा, प्रीमियम बढ़ेगा घटेगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना है, ठीक है। सस्ते ऑप्शन भी है, यानी बहुत सस्ता है, सबसे सस्ता मार्केट यही है, इक्विटी के बाद सबसे सस्ता मार्केट यही है, क्योंकि फ्यूचर में तो 1.5 लाख रुपए लगता है, इक्विटी में फुल कैश लगता है, और यहाँ पे क्या लगता है, ओनली प्रीमियम, ठीक है। कल वाला एग्जांपल लिया था सिंपल मैंने, एलआईसी वाला, ठीक है। क्या किया था एलआईसी के अंदर, मैंने ऑप्शन के अंदर मैंने दो कॉन्ट्रैक्ट किए, क्रिएट किए, ठीक है। एक तो बाय कॉन्ट्रैक्ट और एक किया था मैंने सेल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यू कैन बी अ बायर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन बी अ सेलर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बोले तो व्हाट यू आर एक्चुअली सेलिंग और बाइंग, प्रीमियम, प्रीमियम आप खरीद रहे हो, प्रीमियम आप बेच रहे हो, पर्टिकुलरली स्ट्राइक्स का, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सिंपली चार तरीके से बैटिंग कर सकते हो। सट्टा जो डब्बे की मैंने बात बोली ना, तो इट्स लाइक सट्टे जैसा है। एलआईसी हो, एलआईसी क्या कर रहा है, एलआईसी पॉलिसी बेचता है, प्रीमियम बेचता है ना वो, और आप क्या करते हो, प्रीमियम खरीदते हो। यू कैन बी अ बायर ऑफ अ प्रीमियम, यू कैन बी अ सेलर। आप चाहो तो एलआईसी भी बन सकते हो, आप चाहे तो इंडिविजुअल प्रीमियम के बायर भी बन सकते हो। हाँ मार्जिन नहीं है यहाँ पे, मात्र प्रीमियम है। आपको कुछ हुआ तो पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो प्रीमियम खत्म। ऐसे होता ना, इंश्योरेंस कराते तो क्या मिलता है अपने को। चलो आ जाओ इसके अंदर ऑप्शन में। चलो क्रिकेट मैच है, मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच है, आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग कैसे करोगे, आपको बस सट्टा लगाना होगा, कैसे खेलोगे इसके ऊपर, किसी ने खेला, कौन कौन किस किस को पैसा लगाएगा, स्कोर पे, अरे हार जीत पे बोला ना, मैं हार जीत पे लगाना, कितने टाइप से लगा सकते, टाइप ऑफ पहले ये तो बताओ सर, इंडिया में कितने मिलेगा, डबल 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 डबल, 100 का 200, 100 का 200 एग्जैक्ट इंडिया सर, इसमें 100 के 1000 भी होते हैं। हाँ बताओ कौन लगा रहा है भाई, दो मैच है, मैच चल रहा है, ठीक है, इट इज अ मैच, प्लेयर अच्छे ही है सारे, मान लिया, यू हैव टू बैट।
चलो इंडिया पे लगा दिया आपने, ठीक है। इंडिया पे क्या लगा दिया, इंडिया की हार पे कि इंडिया की जीत पे? क्यों हार पे नहीं लगा सकता? वो तो सारा अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ, कैसे कहते हैं कि हार जीते हैं। इंडिया की विनिंग परसेंटेज ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की, मैच ज्यादा ऑस्ट्रेलिया कहीं भी चार तरीके से बैटिंग हो रही है, इंडिया की हार, इंडिया की जीत, ऑस्ट्रेलिया की हार, ऑस्ट्रेलिया की जीत। या मैं ये भी बोल सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया की हार, मैं बाय डिफॉल्ट जीता ना। कितने तरीके से बैटिंग हो सकती है? चार तरीके से हो सकती है। आप केवल हार और जीत देख रहे हो अपनी अपनी, दूसरों की भी हार जीत देख सकते हैं। अरे यार वो रेस में घोड़े की रेस देखी है ना, वो कौन सी वाली मूवी आई थी यार, वो सैफ अली खान में, वो उसके घोड़े पे नहीं दूसरे वाले घोड़े पे लगाता है कि तेरा घोड़ा जीतेगा, सारा पैसा मैंने तेरे पे लगा दिया और वो जीत जाता है, तो बाय डिफॉल्ट मैं ही जीता ना। यानी मैं जो सोचूंगा वैसा होना चाहिए। यानी आप चौतरफा टूल से आप बाजार को ट्रैक कर रहे हो, ठीक है। इंडिया जीतेगी ऑस्ट्रेलिया हारेगी, दो 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 ही चीज, हाँ दोनों एक साथ लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो भाई, इसकी जीत पे इसकी हार पे, दोनों में से कोई एक तो जीतेगा। यानी एक मेरा एक रुपए मैंने इस पे 100 रुपए लगा दिया, अरे तो सुनो तो भाई, इंडिया की जीत पे लगा दिया मैंने, इंडिया हार गया और इसकी हार पे भी लगा दिया था, है ना, दोनों साइड से गए, उल्टा कर दो, इसकी हार इसकी जीत, ये जीरो और ये 100 का 200 क्या हो गया एवरेज। यानी बढ़ते बाजार में भी मैं बैटिंग कर सकता हूँ और बैठते बाजार में भी बैटिंग कर सकता हूँ, मेरा बैटिंग सही होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन। बाकी सर टेलीग्राम वाले यही तो करते हैं सर, अरे हाँ ना, तो भाई इन्वेस्टमेंट बाहर आ गया ना, 100 इधर लगाया था 100 इधर लगाया था तो इन्वेस्टमेंट बाहर आ गया ना, अरे तो हेजिंग टूल है, यही तो हेजिंग टूल है, ऑप्शन इज अ हेजिंग टूल। अगर मैं ऐसा बोलता कि एक काम करो यहाँ पे 100 की जगह 200 लगा दो, द प्रोबेबिलिटी इज हायर, तो आप 200 का कितना हो जाता, तो प्रोबेबिलिटी, तो ऑप्शन इज अ प्रोबेबिलिटी टूल, ऑप्शन इज अ हेजिंग टूल, ऑप्शन इज लाइक फोर डायरेक्शनल टूल, ऑप्शन इज अ मल्टी ऑप्शन टूल, विद दैट यू कैन प्लेस योर बेट ऑन फोर डायरेक्शन, ठीक है, आपकी खुद की जीत पर, आपकी खुद की हार पर, आप दूसरों की जीत पर, दूसरों की हार पर, ये चार तरीके से आप बैट कर सकते हैं। तो चार तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, सुना है कॉल पुट, ठीक है, सुना है ना, सुना तो होगा कॉल पुट, सुना ये यही है, ये जो अभी जो कंफ्यूजन है ना वो यही है, ये कॉल है, बाइंग वाला कॉल है, नहीं वाला ये पुट है, ये कॉल बाय है, ये कॉल सेल है, ये पुट बाय है, ये पुट सेल है, पुट बाय वाला मतलब पुट जो होता है वो सेल है, प्रीमियम का, हाँ नहीं नहीं वो चाहता है नीचे जाए भाई, ये नीचे नहीं जाते हुए ऊपर चला गया, मैंने बोला ये नीचे नहीं जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो भी तो जीता यही ना। चलो मेन मेन चीज ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन और फ्यूचर में कॉमन है, ठीक है, दोनों में चीजें कॉमन है, लॉट साइज में परचेसिंग होगा, ठीक है, बिकॉज एफएनओ बोला जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन बोथ आर कॉमन, दो तीन चीजें छोड़ के, राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेटेड टू बाय इट, राइट टू सेल बट नॉट ऑब्लिगेटेड टू सेल इट, ठीक है, अधिकार तो है लेकिन उसको लेना नहीं लेना मेरे हाथ में, ठीक है। अगर आई एम अ बायर ऑफ अ प्रीमियम तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट आई एम अ सेलर ऑफ अ प्रीमियम तो मुझे इशू है, क्योंकि सेलर, सेलर का प्रॉफिट कितना होता है, कम होता है ना, सेलर का मतलब क्या, आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, शॉर्ट सेल करने का मतलब है 100 रुपए की चीज शॉर्ट सेल करी, कब तक शॉर्ट सेल कर सकते हो, 0 तक ना, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो सेलर का प्रॉफिट कैसा है, लिमिटेड है हमेशा, और बायर का प्रॉफिट कैसा है, अनलिमिटेड, ठीक है। अगर मैंने शॉर्ट किया तो मेरे को रिस्क क्या है चीजों के, अरे छोड़ दो सर, अभी बुक सेल बायर से कुछ नहीं, प्रीमियम कोई कर रहे हैं, ठीक है, तो सेलर का फंडा बिल्कुल डिफिकल्ट है, सेलर को ऑब्लिगेशन में रखा गया है,
चीजें नीचे आती है शॉर्ट टर्म पर, ठीक है, जीरो नहीं होती है, लेकिन ऑप्शन के अंदर प्रीमियम जीरो हो जाती है अगर आपका इवेंट ना हो, आपने बेट किया, मैच ड्रॉ हो गया, मैं मैच में पैसा लगाया, बारिश गिर गई, मैच हुआ ही नहीं, नहीं होता ही नहीं ना यहाँ पे, यहाँ होता ही नहीं, यहाँ अलग ही बंडल चलता है, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन किसको है भाई? ऑब्लिगेशन बायर को नहीं है दादा, ठीक है, क्योंकि बायर प्रीमियम को खरीदता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट एलआईसी के हिसाब से सोचो, एलआईसी यानी ऑब्लिगेटेड है, अगर एलआईसी ने आपसे प्रीमियम का पैसा लिया है तो दे हैज टू डिलीवर इंश्योर्ड अमाउंट, समझ रहे हो ना? तो एलआईसी का सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू सेल इट, बट प्रीमियम का बायर ऑब्लिगेटेड नहीं है। आपको प्रीमियम पे इंश्योरेंस चाहिए नहीं चाहिए ये आपके हाथ में, आपने बोला नहीं चाहिए मेरे को, एलआईसी बोलेगा अच्छा ठीक है, तो ये भी फंडा है, ठीक है। तो बायर इज नॉट ऑब्लिगेटेड इन ऑप्शन मार्केट, बट सेलर इज ऑब्लिगेटेड। और ऑब्लिगेशन कहां आता है? जहां रिस्क ज्यादा हो वहां पर। तो सेलर को रिस्क ज्यादा है, सेलर प्रीमियम बेच रहा है 4.5 लाख की और बायर प्रीमियम 5,000 की खरीद रहा है, तो बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है और सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड। बायर को 4.5 लाख से ज्यादा कहां मिलेगा? 5,000 ही मिलेगा। बट आप ये भी तो देखो कि भाई 5,000 देख के 4.5 लाख रुपए प्राप्त करना, यानी इंश्योरेंस अमाउंट के लिए कितना अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गया ना। भाई इंश्योरेंस खरीदते हो 5,000 की प्रीमियम देते हो और अगर मर गए तो 5 लाख मिलेंगे, और नहीं मरे तो 5,000 चला जाएगा, समझो फंडा। ये ऑप्शन ही है, यानी फ्यूचर में होने वाले इवेंट को प्रिडिक्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप लोग प्रीमियम देते हो, यानी आप प्रीमियम खरीदते हो, बायर ऑफ अ प्रीमियम बनते हो आप, और उसी जगह आपको कुछ लोग प्रीमियम बेचते हैं, दैट मींस कुछ लोग सेलर ऑफ अ प्रीमियम भी बन रहा है। वो लोग 4 लाख रुपए देकर आपसे 5,000 रुपए कमा रहे हैं और आप 5,000 देकर 4.5 लाख कमाओगे अगर इवेंट हुआ तो। नहीं मरे तो एलआईसी 5,000 रुपए खा जाएगा, मर गए एलआईसी बोलेगा अच्छा ये लो 4 लाख रिचार्ज किया था, है ना। तो प्रॉफिट किसको ज्यादा है? बायर का प्रॉफिट ज्यादा है। अब दिमाग लगाओ, एलआईसी डूब गई क्या? नहीं, मरते ही नहीं है। हम लोग फ्यूचर में होने वाले इवेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अंदर बायर की जगह सेलर बनना चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट है ना। आप देखते हो प्रीमियम रोज गलती है, हर एक दिन का एक प्रीमियम वैल्यू होता है, हर एक दिन का एक प्रीमियम वैल्यू होता है, तो रोजाना आपकी प्रीमियम गलेगी, और जब प्रीमियम गलेगी तो खुश कौन हो जाएगा? सेलर। और इसने 5,000 दिए थे, आज इसका 5,000 में से 4,500 रुपए जो है बच गया बस, अरे अब फिर एक दिन घटा 4,000 बच गया, फिर एक दिन घटा, अरे अब तो इसका 3,000 ही बचा, कल एक्सपायरी है इसकी साले को, कल क्या होगा, एक दिन में मर जाएगा तो क्या होगा जान दो। और जिस दिन खत्म आखिरी दिन बचता है उस दिन प्रीमियम अमाउंट कैसा हो जाता है? जीरो। अगर आपका डिसाइडेड इवेंट नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी, तो जीतने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी तो सेलर को नुकसान हो रहा होगा, और जीतने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही होगी तो सेलर को फायदा हो रहा होगा। वी कैन कैलकुलेट द एस्टिमेटेड प्राइस जिस भाव पर लोग ज्यादा बेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ रेट दे दिए गए, उस रेट पर निफ्टी का रेट दे दिया गया, तो निफ्टी का सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स आ जाएगा, उस सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स पर लोग बैठे हुए हैं, लोग बोल रहे हैं 18,000 जाएगा, तो 18,000 के भाव पे लोग बैठे हुए हैं, लोग बोल रहे हैं 17,800 जाएगा, तो 17,800 पे लोग बैठे हुए हैं। अब मैंने बैट किया 18,000 पे, ठीक है, मैंने बोला 18,000 निफ्टी जाएगा, मैंने 18,000 को खरीदा, है ना, आप प्रीमियम बाय करिए 18,000 की, और मार्केट 18,000 गए नहीं, 17,999 से बाजार रिटर्न हो गया, और आज मेरी एक्सपायरी हो गई कॉन्ट्रैक्ट की, तो भी नहीं मिलेगा, उसके ऊपर ही जाना चाहिए, यानी एस्टिमेटेड प्राइस नहीं अगर सर नहीं आया तो नहीं मिलेगा, होने लगेगा, लेकिन वो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, दैट इज द वोलेटिलिटी, डिमांड और सप्लाई के कारण वो प्रॉफिट आ रहा है, नॉट एक्सेप्ट प्रॉफिट।
प्रॉफिट तो 18,000 पे आएगा ना, आपने जब बोला 18,000 तो 18,000 पे आएगा, आता है वेरिएशन आता है सर, तो प्रीमियम तो बढ़ता है, तो फिर बढ़ता है। मैंने क्या बोला, वो वॉलेटिलिटी है, दिस इज वॉलेटिलिटी नॉट एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट 18,000 के ऊपर से दूर का है ना। स्ट्राइक आपने क्या बोला, 18,000 का मेरे को भविष्य खरीदा है, तो मार्केट जब तक 18 आएगा नहीं, बैटिंग 18,000 पे कर रहे हो और बाजार कर रहा है 17,800 पे, तो 200 पॉइंट जब तक मूव नहीं करेगा तब तक आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं, आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 18,000 के ऊपर से। मतलब वो जो प्रॉफिट मिलता है वो वेरिएशन प्रॉफिट है, वो जितनी जल्दी बढ़ता है ना उतना घटता भी है उतनी जल्दी। 18,000 उसके बाद से प्रॉफिट आएगा, ये जो 17,700 इसके बीच के मोमेंटम का प्रॉफिट मिलेगा एज एन वॉलेटिलिटी डिमांड सप्लाई। तो ये प्रॉफिट कमाओगे कमाओगे अगर वो मूव किया तो, बट कमाओगे भी एक ही शर्त पे, अगर मोमेंटम बहुत तेज होगा तो ही, अगर मोमेंटम स्लो होगा तो प्रीमियम गवाओगे ही गवाओगे। कछुआ चाल से पहुंचा 18,000, तो गए पैसे वैसे भी गए तुम्हारे, और अगर आज के आगे चला गया, आज का आज चलो तीसरा पॉइंट देखो, बायर इज टाइम बाउंडेड और सेलर इज टाइम बाउंडेड, दोनों ही टाइम बाउंडेड है। टाइम बाउंडेड बोले तो एक्सपायरी, ठीक है, अरे हाँ वो ऑब्लिगेशन वाला यार, ये ऑब्लिगेशन वाला फंड है, बायर ऑब्लिगेटेड नहीं है ना, अभी बताया था बायर इज नॉट ऑब्लिगेटेड बट सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू सेल इट, ठीक है। टाइम बाउंडेड है ना, खींच लिया जाता है, उसे खींच लिया जाएगा अगर वो मेंटेन नहीं करेगा तो, ठीक है। और सेलर को क्यों रखा गया टाइम बाउंडेड, बिकॉज सेलर हैज टू पे मार्जिन अमाउंट, बायर हैज टू पे ओनली प्रीमियम। सेलर बन रहे हो आप, एलआईसी बन रहे हो, तो एलआईसी बनने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि रिस्क इज हाई ना, यू आर गेटिंग प्रीमियम एंड यू हैव टू पे इंश्योरेंस अमाउंट। तो आप अगर LIC बन रहे हो तो LIC में यू हैव टू मेंटेन अ मिनिमम मार्जिन अमाउंट एज फ्यूचर। चलो यू कैन डू एनीथिंग, इंट्राडे कर सकते हो, BTSC कर सकते हो, ठीक है, सारी चीजें कर सकते हो आप, क्लियर है। FNO को बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्लियरिंग सेटलमेंट टाइमिंग कितना है, T+1 डे, ठीक है। मिनिमम 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, ठीक है, 3 कॉन्ट्रैक्ट आपके मंथली वाले, जैसे फ्यूचर में होते थे ना कॉन्ट्रैक्ट, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में यू हैव वीकली कॉन्ट्रैक्ट, वीकली भी है, वीकली प्लस मंथली, वीकली प्लस कॉन्ट्रैक्ट दोनों मिलते हैं आपको, ठीक है, और वीक का क्लियर है। ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो पैसा तो डुबाना पड़ेगा। देखो चलो एक दिखाता हूँ मैं, पॉसिबिलिटी होगी, हाँ तो पॉसिबिलिटी, वही तो प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी पॉसिबिलिटी होगी। कई बार ऐसा भी होता है जैसे 5 सेकंड से मार्केट नीचे आ जाता है। चलो एक दिखाता हूँ, ये हम लोग पढ़ेंगे अब। ऑप्शन इज अ प्रोबेबिलिटी टूल, अरे इधर देख लीजिए, इधर देख, इस मेथड पर पूरा ऑप्शन चलता है, Black-Scholes मॉडल पर, ठीक है। ऑप्शन इज अ बेस्ड ऑन द Black-Scholes मॉडल दैट डिसाइड द प्रोबेबिलिटी, और एक बायनोमियल थ्योरम है जिसके ऊपर पूरा मार्केट टिका हुआ है, यही बेस फंडा है, इस Black-Scholes को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक
ठीक है, पूरा ब्लैक सोल का पूरा मेथड है ऑप्शन का, सिंपल। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, एक आध मिनट का है वीडियो। Black-Scholes model is a mathematical model of the financial market. From it, the Black-Scholes formula was derived. The introduction of the formula in 1973 by three economists led to rapid growth in options trading. This formula is widely used in global financial markets by traders and investors to calculate the theoretical price of European options, a type of financial security. These options can only be exercised at expiration. The formula has been demonstrated to yield prices very close to the observed market prices. The Black-Scholes formula requires complex mathematics. Fortunately, traders and investors who use it do not need to do the math. They can simply plug the required inputs into a financial calculator. The necessary inputs are the underlying stock's price, the option strike price, time to the option's expiry, volatility of the stock, time value of money, or risk-free interest rate. The Black-Scholes model does not take into account dividends paid during the life of the option. The model is also known as the Black-Scholes Mergent model. Black-Scholes and Mergent were the economists who introduced the mathematical model in 1973. Although Black's death in 1995 excluded him from the award, Scholes and Mergent won the 1997 Nobel Prize in Economics for their work. यही मेथड हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी, अपने इंडिया के अंदर देखो भाई, एक्सपेक्टेशन से अबो अगर कोई चीज चली जाती है तो विल गॉट प्रॉफिट। आपने बोला कि यार मार्केट जो है अभी, जैसे अभी क्या कितना चल रहा है, 17,900 चल रहा है ना। आप बोलोगे कि यार 17,900 से ही बाजार ऊपर जाएगा और यहीं से ऊपर जाना चालू होता है तो यू विल गॉट रिवॉर्ड। हाँ ठीक है ना, तो चलेगा ना, एक्सपायरी तक है बस, जो चीज होना है वो एक्सपायरी तक होना है, उसके पहले पहले सारी चीजें खत्म नहीं, नहीं।, नहीं। लेकिन आई विल बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं इसको, पूरा सिंप्लीफाई कर दूंगा। हाँ ये पर पढ़ेंगे, लिटरली ऑप्शन में यही है, अरे मैं बताऊंगा ना कि ये इतना बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो इट्स मैथमेटिक भाई, ऑप्शन इज अ मैथमेटिकल टूल थ्रू वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी सॉल्व किया है क्या 11th में? तो किया होगा, अरे कॉमर्स वालों ने किया होगा, 10th में भी होगा यार, प्रोबेबिलिटी तो है ना। तो बस वो प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करना है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया तो आप लोग ऑप्शन में महारत हासिल कर लोगे, और अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं किया तो ऑप्शन में कुछ नहीं हो सकता आपका, आप इक्विटी और फ्यूचर तक ही सीमित रह जाओगे। ठीक है, तो ये Black-Scholes मेथड को ही मैं सिंप्लीफाई करके आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे काम होता है इसके अंदर। ठीक है, चलो चार चीजें इंपॉर्टेंट ऑप्शन में, अभी भी 5 मिनट बाकी है, देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया में ये दोनों ऑप्शंस चलते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस मेजरली दो टाइप के होते हैं, अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है, अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन इंडिया में दोनों चलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी हम लोग देखेंगे कि अमेरिकन कहाँ चलते हैं और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स कहाँ चलते हैं। ठीक है, जो Black-Scholes मेथड है ना वो यूरोपियन है, कौन सी, उसी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पे चलता है। ठीक है, फंडा एक ही है दोनों का, बट उसके अंदर दो तीन चीजें चेंज है बस। ठीक है, तो टू टाइप ऑफ ऑप्शन आर देयर इन इंडिया, अमेरिकन भी चलते हैं और यूरोपियन ऑप्शन भी चलते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क यह है कि अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट समय से पहले खत्म हो सकते हैं और यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट समय तक चलते हैं, यानी आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो जाते हैं समय से पहले, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे कोई भी ऑब्लिगेटेड मैनर में छीन सकता, चाहे आप बायर हो चाहे आप सेलर हो। तो टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर, ऑप्शंस में मैंडेटरी चार चीजें जरूरी है, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम एंड वॉलेटिलिटी। ठीक है, ये चारों चीजें जरूरी है। स्पॉट प्राइस से ही हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे, स्ट्राइक प्राइस इज व्हाट, स्ट्राइक इज अ रेंज, जो मतलब निफ्टी का अभी भाव चल रहा है। हाँ, निफ्टी का एक्चुअल भाव इज स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक जो हमको खरीदना है, स्ट्राइक इज अ फ्यूचर रेंज। फ्यूचर होते हैं दो टाइप के, फॉरवर्ड
एंड बैकवर्ड फ्यूचर, ठीक है, और इसी फ्यूचर को ऑप्शन से खरीदोगे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। सिंपली अभी कॉल को समझो, कॉल बोले तो बुलिश मार्केट के अंदर कॉल खरीदोगे और बेयरिश मार्केट में पुट खरीदोगे। अभी दो ही फंडा लेके चलो, है ना, बढ़ते बाजार को एस्टिमेट करने के लिए कॉल की प्रीमियम खरीदना पड़ेगी और घटते बाजार को एस्टिमेट करने के लिए पुट की प्रीमियम खरीदना पड़ेगी। सिंपली है ना। प्रीमियम इज व्हाट? प्रीमियम इज अ टोकन मनी फॉर फ्यूचर प्राइस। यानी आप इसको ऐसा ले लो, स्ट्राइक खरीद रहे हो बाय पेइंग प्रीमियम, और प्रीमियम का जो ऑप्शन है वो कॉल और पुट है। समझ में आ रहा है? यानी आपने 18,000 का कॉल बाय किया, ठीक है, कितने रुपए में? प्रीमियम देके 100 रुपए में, 100 रुपए इज प्रीमियम, तो 100 रुपए देकर आप ये स्ट्राइक खरीद रहे हो, ठीक है, दैट इज अ स्ट्राइक, ये वाला स्ट्राइक है, ठीक है, ये स्ट्राइक है, ये प्रीमियम है, ठीक है, और ये ऑप्शन है। आप एस्टिमेट कर रहे हो कि ये 100 रुपए मैंने प्रीमियम दिए है, ये ऊपर जाएगी, और जब स्पॉट प्राइस बढ़ जाएगा, ये 18,000 फिक्स है, स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 17,900। जब 17,900 18,100 चला जाएगा तो कितने पॉइंट का मोमेंटम आया? 200 पॉइंट का, ठीक है, और 100 पॉइंट का तो एक्चुअल आया, 18,000 तय किए हुए भाव से 100 रुपए तो ऊपर गया, तो 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो 100 रुपए मोमेंटम हुआ उसका 50% आपको मिलेगा, यानी 150 रुपए, 200 रुपए के मोमेंटम पर 150 रुपए तो आपको मिलेगा, यानी आपकी प्रीमियम में 150 रुपए ऐड हो जाएंगे। ये 50 वाला फंडा भी दिमाग में बैठा ले, 50 क्यों ऐड होगा? पर लॉट 150 रुपए, यानी 5,000 रुपए के बदले 7,500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे जब आप एस्टिमेट कर रहे हो ऊपर की तरफ। और यही काम पुट से कर सकते हो। पुट में एस्टिमेशन कहाँ होगा? नीचे का। समझ में आ रहा है? सेम एज इट इज। अरे एक समझ लो, एक मिनट बाकी है बस। स्पॉट चल रहा है 17,900, आप बोल रहे हो स्ट्राइक जाएगा 17,500, आपने बोला नीचे जाएगा, ठीक है, और ये 17,500 के लिए यू आर पेइंग प्रीमियम 100 रुपए। अगर बाजार 17,900 से 17,400 गया तो कितने पॉइंट का मोमेंटम आया? 400 का। 100 रुपए तो डॉट मिलेंगे मिलेंगे, बट वो 300 रुपए का आधा, 150, यानी कितना हो गया? 150 प्लस 100, 250, तो इस 100 रुपए की प्रीमियम में 250 रुपए ऐड हो जाएगा, यानी 100 की प्रीमियम हो जाएगी 350 की। हाँ, ये एक प्रीमियम की बात हो रही है, और निफ्टी ये पुट में, पुट में व्हाट वी वांट, पुट में हम चाहते हैं नीचे जाए मार्केट, और कॉल में हम चाहते हैं ऊपर जाए। हाँ ना, 300 का आया लेकिन 300 नहीं मिलेंगे ऐसा, अभी अपन देखेंगे कल। हेलो सर। हेलो, नहीं वी कैन ना दिया तो उसने ग्रुप में डाले तो थे, इतनी लंबी लिस्ट है मैंने ढेर सारी, वो ब्रोकर के थ्रू, बट ब्रोकर एचडीएफसी बैंक इज लाइक मीडिएटर अभी हाल फिलहाल, बाकी हेलो मोतीलाल वगैरह है। हो गया, चालू हो गया। अरे नहीं, उससे तो करने ही मत यार, वो तो मना ही किया मैंने। ऑथराइज ब्रोकर IFSC, जिससे ऑथराइज है वो ब्रोकर, बस NSE IFSC। क्या चलो यहाँ तक दिक्कत क्लियर है? सर आ रहा है पक्का? ठीक है।